हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट्स. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3. सबसे पहले देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं. सभी क्वेश्चंस में यही कह रहा है कि प्रूव दैट. सारे क्वेश्चंस आपके प्रूव करने वाले हैं. स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं. तो मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ. ये है आपका 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इज इक्वल टू 0. ये आपको 0 के इक्वल प्रूव करना है. तो बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है इसकी और देखते हैं वैल्यू कैसे निकालें. स्मॉल एंगल है, इसको एज इट इज रख लिया बेटा. ये आपका इसके हाफ से बड़ा एंगल है तो इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. मीन्स 13 जो है इसका हाफ करें तो 7 आएगा. तो आपका ये जो एंगल है 9π है, इससे बड़ा है. तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. मैंने 9π/13 को लिख लिया π-4π/13. देखिए अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको यही वैल्यू देगा ये प्लस. और यहाँ लगाइए फॉर्मूला. यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे. cos c प्लस cos d आपका क्या बन जाएगा, 2 cos c + d/2. यानी आप इनको ऐड कर लीजिए और बाई टू कर लीजिए इनटू cos c - d/2. 3π/13 -5π/13/2. इस तरह से यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया. नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटा क्या करा हमने. नेक्स्ट स्टेप में 2 cos π/13 इसको सॉल्व करके लिखिए. पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती और साथ में ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन लगा दिया. और यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं. प्लस 2 cos, हाँ जी, 8π/13 और बाई 2 भी है. तो आप चाहें तो 8π/13 इंटू 2 इंटू cos, ये आएगा -2π/13 इंटू 2. इस तरह से लिख लीजिए. नेक्स्ट स्टेप में इसका माइनस का साइन बाहर ले आएंगे बेटा. 2 cos π/13 इंटू cos 4π/13 और इस 2 से आप ये 2 कैंसिल कर दीजिए. यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. देखिए अब क्या लिख सकते हैं. ये आया आपके पास 2 cos 4π/13 इंटू cos -π/13. आपको पता है बेटा -cos θ या cos-θ क्या बनेगा, -cos θ बनेगा. तो हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए क्या होता है ये cos-θ. cos के अंदर नेगेटिव साइन है, ये बनेगा cos θ. पॉजिटिव ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. चेंज नहीं होगा तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह से लिखेंगे हम इसको π/13. तो ध्यान से देखिए बेटा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का फ़र्क है. इसमें cos π/13 आगे लिखा हुआ है, इसमें cos π/13 पीछे लिखा हुआ है. ये दोनों आपकी सेम वैल्यूज़ हैं तो ये आपकी वैल्यूज़ कट जाएंगी एंड यू विल गेट 0. दैट इज़ योर राइट हैंड साइड. यही हमारी राइट हैंड साइड भी थी. नाउ वी मूव ऑन टू आर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं बेटा क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है sin 3x + sin x इंटू साइन एक्स. इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में भी साइन एक्स है. प्लस cos 3x - cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0. देखिए क्या है क्वेश्चन. sin 3x + sin x इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x - cos x इंटू cos x. इसको आपको 0 के इक्वल प्रूव करना है बेटा. तो फॉर्मूलाज ही अप्लाई करने हैं बेटा. लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम. देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. sin c + sin d, ये बनेगा 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2 और इसके साथ है sin x प्लस
इस पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू यानी थ्री एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी मीन्स थ्री एक्स माइनस एक्स बाई टू इंटू इसके साथ लिखा हुआ है हमने कॉस एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इसको। सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू दे रहा है ये आपकी, ये आएगा टू साइन फोर एक्स बाई टू यानी टू एक्स, ये टू एक्स बाई टू यानी कि एक्स और इसके साथ लिखा हुआ है साइन एक्स। यहाँ आ जाते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, प्लस माइनस टू साइन फोर एक्स बाई टू यानी कि टू एक्स, टू एक्स बाई टू यानी कि एक्स और इसके साथ लिखा हुआ है कॉस एक्स। अब देखो बेटे ध्यान से, सेम वैल्यूज हैं ये, टू साइन टू एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, माइनस का साइन टू साइन टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है तो कट हो जाएंगी, जीरो आ जाएगा एंड दिस जीरो इज योर राइट हैंड साइड ऑल्सो, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। तो बेटा बेसिकली इसमें तो क्या यूज किया आपने, साइन सी प्लस साइन डी वाला रिजल्ट लगा दिया और साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी वाला रिजल्ट लगा दिया सिंपली, और क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिक टारगेट आपका क्या है, फोकस हमें आइडेंटिटीज पे ही करना होगा, उससे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, तो आई एम राइटिंग आउट द स्टेटमेंट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री है बेटे आपका, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, ये है सॉल्व करने वाली आपकी राइट हैंड साइड। कैसे करना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है हमने और इनके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी वाली, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी वाली। देखिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, अप्लाई करिए इसको लिखेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी होता है आपका टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। चलिए और स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर भी कर दिया, प्लस साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी पे अप्लाई किया फॉर्मूला तो टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू और होल स्क्वायर लगा दिया। चलिए बेटा जी सॉल्व करते हैं इसको, ये आएगा फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, यहाँ से आ गया फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या कॉमन आएगा, कॉमन इन दोनों में आ रहा है आपका फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। देखिए ध्यान से, फोर दोनों में है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, कॉमन निकाल लिया बेटा। अंदर क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस यहाँ बच गया आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। अब ये देखिए हमने टेंथ में ही आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या यूज कर रहे हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज वन। अब क्या चेंज है, सिर्फ सिर्फ इस क्वेश्चन में आपका इस थीटा के प्लेस पे एक्स माइनस वाई बाई टू आ गया है दोनों प्लेस पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। व्हाट यू विल गेट, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू वन और ये वैल्यू क्या आ गई, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू विच इज योर राइट हैंड साइड, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। फोर्थ क्वेश्चन बेटा सिमिलर टाइप का ही है, फोर्थ क्वेश्चन की मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख रही हूँ, देख लो एक बार क्या है, ये है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई
होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है इसको, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या करेंगे, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करना, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करना। इन द सेम वे आपके पास इस क्वेश्चन में यही वैल्यू कॉमन आ जाएगी और अंदर आपकी इसी तरह की फिर से आइडेंटिटी बन जाएगी, आप आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे। सो दिस इज लेफ्ट फॉर यू, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू आर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है आपकी, नंबर 5 इज साइन एक्स प्लस साइन 3x, सॉरी ब्रैकेट नहीं थी मैंने ही लगा दी है, साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 कॉस एक्स कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इस तरह से आप इसको प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा जी इसकी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली तो किस तरह से किया हमने इसको, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप तो पहले देखिए पेयरिंग का फायदा किस किस से होगा। मैं इस साइन x और साइन 7x की पेयरिंग करूंगी ताकि ये 8 बन रहा है, और इस 3x और इस 5x की भी पेयरिंग कर लूंगी ताकि ये भी 8 बना दे। तो पहले तो मैं एक लाइन ऐसे ही लिख लेती हूँ, साइन 7x प्लस साइन एक्स और साइन 5x प्लस साइन 3x। अब नेक्स्ट में फॉर्मूला लगाइए। अब इस बार मैं आइडेंटिटी फॉर्मूला लिख नहीं रही हूँ, सीधा अप्लाई ही कर रही हूँ। ये बनेगा 2 साइन, हाँ जी 7 प्लस 1 8x बाई 2 यानी 4x, और कॉस माइनस करेंगे तो 6x बाई 2 यानी 3x। यहाँ पे भी रिजल्ट लगाइए, 2 साइन 8x बाई 2 यानी 4x इंटू कॉस 2x बाई 2 यानी कि x, यही वैल्यू आ जाएंगी बेटा आप अगर सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 साइन 4x आपका कॉमन आ जाएगा, ये आएगा कॉस 3x प्लस कॉस एक्स। ये कॉमन निकालने से आपके पास ये दो वैल्यूज अंदर बचेंगी। फिर से दिख रहा है बेटा हम क्या यूज करें, आइडेंटिटी दोबारा यूज कर लेते हैं। करिए आइडेंटिटी यूज, 2 साइन 4x, अब हम यूज कर रहे हैं cos c प्लस cos d, क्या बनेगा ये 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 4x बाई 2 यानी 2x इंटू cos, सब्ट्रैक्ट करिए 2x बाई 2 यानी कि x। ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, तो अब लिख लेते हैं इनको। ये आपके पास क्या आ गया 4, ये बन गया sin 4x इंटू cos 2x इंटू cos 6, साइन 4x इंटू कॉस 2x इंटू 4x। ओके, यहाँ हमने बेटा प्रूफ करने वाली वैल्यू ही गलत लिख दी है, यह आना चाहिए था 4 cos x cos 2x और इसके साथ लिखना है साइन 4x। तो यही वैल्यूज हैं आपकी प्रूफ करने वाली, आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 cos x cos 2x और साइन 4x, यानी पहले x एंगल फिर 2x और फिर 4x, विच इज योर राइट हैंड साइड। तो आइडेंटिटीज पे फोकस किया और आइडेंटिटीज की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज साइन 7x प्लस साइन 5x, इसके साथ लिखा हुआ है साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन में है कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x। इसको आप प्रूफ करेंगे tan 6x के इक्वल। बेटा बिल्कुल सिंपल है, आइडेंटिटी लगाइए, मैं थोड़ा फास्ट करूंगी अब इसको, हर जगह आइडेंटिटी मैं नहीं लिखूंगी, फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, आपको याद होना चाहिए। तो इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन सी प्लस साइन डी, ये बना 2 साइन सी प्लस डी यानी 7 प्लस 5 12, 12 बाई 2 6x, फिर आया कॉस 2x बाई 2 यानी कि x, यहाँ अप्लाई करिए 2 साइन 6x और आएगा कॉस में 3x, देखना ट्राई करके क्या ये यही आएगा। यहाँ अप्लाई किया
टू कॉस सिक्स एक्स और मैंने लिख दिया कॉस सिक्स प्लस टू कॉस सिक्स एक्स और कॉस थ्री एक्स। बेटा मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इस बार आप सॉल्व करके देखना, आपको समझ जरूर आ जाएगा और खुद ट्राई करना चाहिए। अब हम कॉमन निकाल रहे हैं, इनमें से क्या कॉमन निकलता है। कॉमन निकलेगा ऊपर से कॉमन है टू साइन सिक्स एक्स, तो ये बचा कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स, और डिनोमिनेटर से कॉमन निकाला टू कॉस सिक्स एक्स। अब कॉस सिक्स एक्स कॉमन निकालने से आपके पास क्या आया, इस आपके पास आ गया कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स। देखिए ध्यान से, टू से टू कट हो गया बेटा, कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स ये भी कट हो गया आपस में, आपके पास बचा है साइन सिक्स एक्स बाय कॉस सिक्स एक्स, और ये होता है आपका टेन सिक्स एक्स विच इज योर राइट हैंड साइड। तो सिंपल फॉर्मूलाज को ही इसमें अप्लाई किया हुआ था, नथिंग न्यू इन इट, यू कैन डू इट। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन इज साइन थ्री एक्स प्लस साइन टू एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू फोर साइन एक्स कॉस एक्स बाय टू इंटू कॉस थ्री एक्स बाय टू, यानी अब इसमें हाफ एंगल भी यूज होते हैं। फिर से बेटा पेयरिंग करनी है, कैसे पेयरिंग करें देखिए। अब इसमें ये तीन वैल्यूज है साइन की, 3x, 2x और x। देखो अगर मैं 3x और x ले लेती हूँ तो जब सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ताकि हम कॉमन निकाल सकें। तो करते हैं स्टार्ट, पेयरिंग करेंगे इसकी, साइन 3x और मैंने माइनस साइन x इसके साथ लिख लिया है और साइन 2x पीछे कर दिया। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं इस पे, टू साइन सॉरी साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या बना टू कॉस सी प्लस डी बाई टू यानी फोर बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू यानी टू एक्स बाई टू यानी एक्स, और साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का फॉर्मूला आता है आपको लिखना, ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए बेटा जी कुछ कॉमन है तो कॉमन है टू साइन एक्स, यहाँ बच गया कॉस टू एक्स, यहाँ बच गया कॉस एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इस पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टू कॉस टू एक्स प्लस वन बाई टू इंटू कॉस टू एक्स माइनस एक्स बाई टू, ये आ जाएगा टू साइन एक्स इंटू टू कॉस थ्री एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास फोर साइन एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और देखिए यही वैल्यू आपकी प्रूव करने वाली थी विच इज योर राइट हैंड साइड, तो ये वैल्यू भी प्रूव हो गई है। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन तक जो आपका कॉन्सेप्ट था प्रूव करने वाला, वो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो आपके अलग टाइप के हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही काम करेंगे हम। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।